हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब मैसेज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की और उनसे रिलेटेड फैक्ट की। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो खबर है इसमें, जो इस बार हमारा 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उससे संबंधित, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस जो वीक में रहा था वो रहा था हमारा 71वां गणतंत्र दिवस। और 71वें गणतंत्र दिवस की जो हमारे मुख्य अतिथि थे वह थे ब्राजील के राष्ट्रपति, और इनका नाम था जाइर मैसियास बोलसोनारो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोलसोनारो इनका नाम था और ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति थे और इस बार के मुख्य अतिथि थे। तो जो इस बार की जो गणतंत्र दिवस में जो शुरुआत हुई थी वह इस बार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि जो इस बार जो समारोह का शुभारंभ हुआ था, पिछली बार तक का तो ऐसा होता था कि अमर जवान ज्योति के से होता था, तो इस बार अमर जवान ज्योति के बजाय राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा देश के खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है। तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ खबर है कि इस बार जो परेड का नेतृत्व किया था दिल्ली क्षेत्र के मुख्यालय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने किया था। उनके पीछे शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेनानी लगे हुए थे। तो इस बार जो पद्म पुरस्कार मिले थे वो याद रखने की बात है, जो इस बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। उनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार थे। तो जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और खबर है कि पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं थी, 18 विदेशी थी, 12 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया था। पद्म विभूषण पाने वालों में जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल थे। तो सशस्त्र सीमा बलों को भी इसमें याद रखना है कि सशस्त्र सीमा बलों को भी पुरस्कार दिए गए थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रामनाथ कोविंद ने 54 लोगों को जीवन रक्षा पुरस्कार देने की जो मंजूरी दी थी, 54 लोगों को इस बार मिला था जीवन रक्षा पदक पुरस्कार मिल रखा था। तो ये थे सब मोस्ट इंपोर्टेंट खबर थी हमारे गणतंत्र दिवस से संबंधित, जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया था इसको एक बार और याद कर लीजिएगा। जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे वह मुख्य अतिथि थे, उनका नाम था जाइर मैसियास बोलसोनारो। और मोस्ट इंपोर्टेंट खबर ये भी थी कि 141 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले थे। और 22 जनवरी के बात करते हैं, 22 जनवरी के दिन 22 जनवरी के दिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली ने, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जोगबनी विराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था। जो जोगबनी विराटनगर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है, यह चेक पोस्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो 23 जनवरी के दिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ था वह था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों की जमीन संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बिल और मेलिडा गेट्स पुरस्कार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और 24 जनवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने इस बार एक कंपनी को बंद कर दिया है, कंपनी का परिचालन मतलब कंपनी को ही बंद कर दिया है। जो इस बार जो हमारा हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड है, ये है इसका जो कंपनी है इसी को बंद कर दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, तो इसके बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो ये हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड है, यह दरअसल हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। तो अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, 25 तारीख को याद रखना है। इस बार जो 25 तारीख को था ये बनाया था 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और जो 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था इसके जो हमारे मुख्य अतिथि थे वह थे रामनाथ कोविंद जी। और जो इस वर्ष का जो विषय था वह था सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षर था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को नामांकन के लिए उत्साहित करना था। और ऐसे आते हैं फिर हम 26 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में, 26 जनवरी के दिन कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत सुस्ती आई है और इसके बावजूद भी जो भारत की विकास दर होगी बेहतर होने की संभावना बताई गई है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रहने वाली है वैश्विक विकास दर वह रहने वाली है अमेरिका की, फिर दूसरे नंबर में चीन की, फिर तीसरे नंबर में जर्मनी की, फिर उसके बाद रहने वाली हमारे देश अपने भारत की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर थी ये भी। इस बार तो बहुत रोज़ अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के ऊपर
कह रहे हैं सभी नेता लोग। तो 27 जनवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर ये है कि ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, और ये दुख की भी बात है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 10 पायदान खिसक कर 91वें स्थान पर आ गया है। जो हमारी डेमोक्रेसी है वह अब 10 पायदान पीछे खिसक की है। इसका मतलब हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्वतंत्रता के कमी की वजह से भारत में डेमोक्रेसी स्कोर में गिरावट आई है। तो डेमोक्रेसी स्कोर में गिरावट आई है तो इस विषय का ध्यान रखना है। तो चर्चित स्थल है इस बार का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि चर्चित स्थल, ये तो पक्का आपके जिस भी पेपर में देने जाएं तो ये चीज़ तो आपकी पक्का आने वाली है, 100% आपकी आएगी। तो ये क्या कहते हैं कि 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमन द्वीप और दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमन द्वीप और दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया है। इसके बाद अब देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश से 7, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़े हो गए 9। अब क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन जो दमनद्वीप है और दादर नागर हवेली उनको बना दिया है एक एक केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हो गए हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश 8। मोस्ट इंपोर्टेंट खबर थी। तो अब बात करते हैं इस वर्ष के जो विज्ञान में हुआ। तो देखिए, इसरो ने एक गगनयान इस साल के लास्ट तक का एक गगनयान भेजने, मतलब एक गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की सोच रखी है। अब ये जो गगनयान है ये सबसे पहला अंतरिक्ष यान बनेगा भारत का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस साल के अंत में होने वाले पहले मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान की शुरुआत के मद्देनज़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक रोबोट ह्यूमन नाइट मॉडल जो भारत की जो मानव की तरह दिखने वाला होगा को भेजा जाएगा, जिसे व्योम मित्र नाम दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है इस बार ये तो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते की, जो व्योम मित्र नाम दिया गया है उस रोबोट को। और गगनयान इस बार हमारा अंतरिक्ष यान पहला अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर थी। और एक जिनका निधन हुआ है वह है, निधन निधन की बात करते हैं, एक महान लेखक हैं या फिर कहें, देखते हैं क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पद्मश्री डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री, हनीफ खान शास्त्री का कितना सांप्रदायिक सौहार्द का नाम है। देखिए, हनीफ हैं, खान भी हैं, शास्त्री भी हैं, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। जय हिंद, इसी खूबसूरती के लिए हम कहते हैं जय हिंद। का निधन हो गया है। उन्हें गत वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म श्री से सम्मानित किया। वह कुरान, वेद, भगवद गीता, उपनिषद, गीता पुराण में समानता पर लिखते रहे हैं। बहुचर्चित प्रतिभा के धनी अब दूसरे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़े इम्पोर्टेंट थे। तो विज्ञान से संबंधित हमने बात की, तो इस बार का जो पहले मानव अंतरिक्ष यान जो था वो कौन सा भेजा जाएगा, गगनयान, और उसमें जो रोबोट होगा उस रोबोट का नाम होगा व्योम मित्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये खबर थी। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे सुनील अरोरा हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा हैं, उनको अब जो बनाए दिया जाएगा वह बनाया जाएगा दक्षिण एशियाई चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के फोरम का अध्यक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, जो हमारे सुनील अरोरा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको अब बना दिया जाएगा दक्षिण एशियाई चुनाव प्रबंधन फोरम का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी खबर थी। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस हफ्ते, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये खबर थी। तो ये सब हमने मैंने बता दी है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते के करंट अफेयर हमारी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।